हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। आज हम बनाएंगे लौकी मुठिया। इसे गुजरात में दूधी मुठिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही आसान तरीके में हमने इसे बनाना बताया है। साथ ही साथ जो लोग मेरे जैसे हेल्थ कॉन्शियस है वो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम तेल में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग होती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ये फटाफट से आपको रेसिपी बता देती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसमें है कि गेहूं का आटा, ये हमने एक बोल के हिसाब से लिया है, और एक हमने ली है लौकी। तो लौकी जब आप लें तो आप ध्यान रखें कि लौकी थोड़ी सॉफ्ट हो, वैसी वाली लौकी आपको इसमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले बोल में मैंने लिया हुआ था गेहूं का आटा। इसमें मैं डालूंगी आधा बोल के हिसाब से सूजी, और आधा ही बोल हम इसमें डालेंगे ग्राम फ्लोर, जिसे हम बेसन कहते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये लौकी। तो देखिए, ये मैंने जो लौकी थी उसको ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो 3 चम्मच के हिसाब से मैं दही डाल देती हूँ, और दही डालने से क्या होगा कि जो हमारी लौकी मुठिया है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला डाल देंगे आधा टीस्पून, ज़ीरा डाल देंगे आधा टीस्पून, और बेकिंग सोडा डाल देंगे 1/4 टीस्पून। और आप ये सभी मसाले अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये मैंने बना लिया, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, और घर में भी थोड़ा ज़्यादातर लोगों को तीखा पसंद है, तो मैं ये ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तो तेल डालना बहुत ही ज़रूरी है। तेल डालने से क्या होगा, हमारी मुठिया अंदर से सॉफ्ट बनेगी। बहुत लोगों की मुठिया आपने देखी होगी अंदर से थोड़ी हार्ड बनती है, तो अगर आप तेल डालेंगे ना तो आपकी मुठिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसको हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो रहा है, तो आप इसमें पानी का यूज़ करके इसका डो टाइप तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और इसका एक डो टाइप फॉर्म कर लेती हूँ। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, और इसका इस तरीके से हम छोटी छोटी या मोटी मोटी लोई लेंगे, और इसको इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में एकदम मुठिया के जैसे बना देंगे। ये देखिए, हमारी पहली मुठिया बनकर तैयार है। इसी तरीके से जितनी भी मुठिया हमारी बनती है हम सब बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी मुठिया बनकर तैयार है। अब चलिए इसको करते हैं स्टीम। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने स्टीमर ले लिया है। स्टीमर हमारा देखिए अच्छा गर्म हो चुका है। अब ये जो प्लेट मैंने रखी ना, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। तेल लगाने से क्या होगा कि जो हमारी मुठिया ना इसमें चिपकेगी नहीं। तो थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ब्रश से, और अब हम इसके ऊपर हमारी मुठिया रख देते हैं। और मुठियों को थोड़ा थोड़ा मतलब स्पेस में रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, मुठियों जो स्टीम होगी ना फिर ये फूलेगी, और अगर ये फूलेगी तो ये चिपक ना जाए, इसलिए थोड़े थोड़े स्पेस में हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मुठियों को अच्छे से प्लेस कर लिया। अब मैं इसे स्टीम करूँगी। करीबन 20 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, और मेरी तो ये मुठिया 20 मिनट में तैयार हो गई। अगर आपको लगता है कि आपकी मुठिया 20 मिनट में तैयार नहीं हुई, तो आप 25 मिनट का भी इसमें रख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मुठिया एकदम तैयार है। एक नाइफ से मैं चेक करूँगी और आप देख ही सकते हैं मुठिया कितनी ज़्यादा फूल गई है। तो ये नाइफ में बिल्कुल भी चिपकी नहीं, तो इसका मतलब ये बन गई है। अब इसको फटाफट से प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, काटने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि मुठिया ना आपकी ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम काटोगे ना तो टूट जाएगी, बिल्कुल भी इसका शेप नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा चिल करो यार, इसको थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद इसे काटना। तो चलिए दोस्तों, आपको मुठिया काट के बताती हूँ कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और आप देख ही सकते हैं मेरी जो मुठिया ना, इसमें थोड़ी जाली जाली भी बनी है, तो इसका मतलब हमारी मुठिया बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए। तो इसी तरीके से सारी मुठिया को फटाफट से काट लेते हैं हम। और देखिए, अगर ये जो थोड़ा थोड़ा है ना आपके नाइफ में चिपकेगा ना, आप उसे हटाते रहना, इससे क्या होगा आपकी मुठिया एकदम क्लीन कटेगी। तो ये देखिए, फटाफट से सारी मुठिया मैंने काट ली है। अब पैन ले लेती हूँ, पैन में डालूंगी तेल, तो तेल थोड़ा ज़्यादा डलेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से तेल डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी राई, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून के हिसाब से डाली है। उसी के साथ मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, तो चुटकी भर के हिसाब से हम इसमें डाल देते हैं हींग। 8 से 9 हम इसमें करी लीव्स डालेंगे, और मैंने आलस बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं जाती हूँ और करी लीव्स तोड़ के लेके आती हूँ, तो बहुत लोगों ने कहा था इसीलिए। तो ये करी लीव्स मैंने फ्रेश इसमें डाली है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो गैस की फ्लेम एकदम सिम रख लेना ताकि हमारे मसाले जले ना। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं इसमें, इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें हमारी मुठियों को प्लेस कर देंगे, और जब तक हमारी मुठियाँ एक तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन, करारी, खस्ता नहीं हो जाए, तब तक हम इसको एक तरफ से अच्छे से बनने देंगे और थोड़ा ना एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इतनी सारी है ना, तो पता नहीं कैसे मैं एडजस्ट करूँगी, पर कर लूँगी। तो ये देखा कैसा ज़बरदस्त मैंने एडजस्टमेंट किया है। अब करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब सिम आँच में रखा था मैंने, तो 10 मिनट में एक तरफ से अच्छी करारी हो चुकी है। इसको फ्लिप कर लेती हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी करारी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी करारा होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारी ये लौकी मुठिया, दूधी मुठिया बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये रेसिपी आप लोग अपने घर में बनाएंगे। तो ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फटाफट से कर लो। मैं कुक विद अश्वया नेगी के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। चलो दोस्तों, बाय। वापस मिलूंगी ऐसी एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना।